से बाघ आएगा तो उसे खा सकता है, भालू भी आ जाते हैं। वो तो सौरभ जोशी जैसे लग रहा है। सौरभ जोशी चलते हैं, चेयर का सामना करते हैं। आगे वाले को पकड़ सकता है एक बारी को। अरे वो नहीं दिख रहा तुम्हें, उन दोनों पेड़ के पीछे देखो। ये तो बिल्कुल हॉन्टेड हाउस की तरह लग रहा है, खतरनाक आग लगी हुई है। धुआं हो रखा, जंगल जला है, क्या वाइब्स है। ओ का मतलब बहुत सारे हैं, तो बोल रहा है दिल्ली चलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आया हूँ उत्तराखंड के एक गांव में अपने दोस्त के साथ। मैं आपको अपने दोस्त से मिलाता हूँ। सबसे पहले यह है विक्की भाई के गांव में आए आज हम। हाय गाइस, फिलहाल अभी हम ये खा रहे हैं, क्या बोलते हैं भाई से? टुडे भी बेरीज होती हैं, बट उत्तराखंड में से क्या बोलते हैं ये बताएगा। हिस्सर। हिस्सर, अच्छा, बेरीज, लुकिंग नाइस। यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते तो काफी सारे हमें पेड़ पौधे मिल रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स मिल रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। पहले हमारा घर था ये वाला। हम, मैं पैदा भी इस घर में हुआ। अरे अरे, वो कौन सा पेड़ है बोला? अखरोट का, बहुत छोटा हो गया। बिल्कुल गाँव जैसी फीलिंग आ रही है इसको देख के, तो बहुत ही पुराना होगा ना यार। कितने साल पुराना है ये? 60-70 साल। 60-70 साल यार, दादा ने बनवाया था, दादा के टाइम का। अभी क्या होता है यहाँ पे? अभी कुछ नहीं, टूट गया, खुला हुआ है। चल अंदर जाके देखते हैं। ये तो बिल्कुल हॉन्टेड हाउस की तरह लग रहा है ना। ओ भाई साहब, चल चलते हैं। ऊपर छत भी गिर गई इसकी तो है। लेकिन ये है कि थोड़ा यादें बननी हुई है। हमें मिली है एक छोटी सी गाय, इसका साइज डॉगी जैसा है ना। तो इसमें ऐसा क्या है? कुछ नहीं है, ऐसे क्यों बनना है। पेड़ का नाम है खंडेली। जूते तो तुम्हें बिजली का झटका लगता है, कांटे लगे हुए हैं इसको जूम करके। तो इसी घर से जाता है बाकी घरों में भी पानी? नहीं नहीं, बस तुम्हारी टंकी है ये। अब देख, तेरे को नहाना है, ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल है। मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ पूरे इस पहाड़ी एरिया को। वो क्या है? वो तो सौरभ जोशी जैसा लग रहा है। इसको पीछे करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो भी तो उत्तराखंड में ही रहता है। सौरभ, सौरभ जोशी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आप सौरभ जोशी हो ना? छोटा भाई, हमने तो सुना नहीं आज तक उसका। छोड़ो, ये सस्ता सौरभ जोशी, सौरभ जोशी लाइट है। तो हाँ, ये है मेरा दोस्त बॉबी और रावत। बॉबी रावत, बॉबी बिडालिया, आयुष बिडालिया, फॉलो मी ऑन इंस्टा। दिस इज बिजनेस। अब वहाँ पे गाय है, हाँ। ऊपर से बाघ आएगा तो उसे खा सकता है। अच्छा, हाँ। तो यार ऐसे घूमते हैं यहाँ पे बाघ वगैरह? ऐसे घूमते हैं, और भालू भी आ जाते हैं। ओ भाई, भालू से ज्यादा डरना चाहिए। पर वैसे हम तो तुझे पता है, शेर के बच्चे हैं। ये हमारा गाँव वाला लौंडा, ये है पहाड़ी गाय, एक्सप्लोर करा रहा है। बेसिकली हमारा गाइड है। गाइस, वी आर फाइंडिंग आवर गाइस। ये तो झाड़ी आया, यहाँ पे तो कुछ और भी मिल सकता है। हाँ, सांप वगैरह मिल सकते हैं। बताता तो, हम जूते उते पहनते पूरा। तो काटे ही काटे इधर, इंजर्ड हो गया भाई हमारा एक प्लेयर, सस्ता सौरभ जोशी। जाके से रेन काटो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसकी बॉडी अडैप्ट हो चुकी है, चलने का वाला है ये तो पूरा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हुए भाई, मैं कह रहा हूं हमारा दोस्त। हाँ यार, करेंगे यार, कुछ करेंगे, करना पड़ेगा यार, करेंगे यार। ये पहाड़ों के बीच में आ गए हैं यार, अब कुछ करना तो पड़ेगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हो गया वापस भाई, बाघ है, शेर है इस तरफ, वो कह रहे। ओ यसो, क्या कहीं बाघ ही तुम मत बड़े मत बड़े छलांग मारी आज वाला भी। अच्छा चलो, वो तो और आगे चला गया, तो फिर घर घर खेलो। मैं भी जाऊं सवारी घर में, तो फिर हम भी चलते हैं। चलो भाई, हमें रास्ता नहीं पता, ऊपर आओ। वो कह रहे ऊपर शेर है वहाँ, जाना चाहिए। चलते हैं यार, चलते हैं। शेर को, शेर का सामना करते हैं यार, करना पड़ेगा। शेर बनना है तो करना करते हैं। अगर खत्म नहीं हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे, जान दे देंगे इसके लिए। चलो चल रहे, चल रहे, जाना चाहिए। मैं भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। सही कर रहा भाई, आगे वाले को पकड़ सकता है एक बारी को। कैसे पता कि आगे बाघ घूर रहा था? अरे ये सब पता है। आंटी को कैसे पता लगा? तेरे को दिख गया क्या? दोस्त है ऊपर गया है, वो बता रहा है कि ऊपर से उसको झलक दिखी है बाघ की। हम तीनों बाघ की तरफ आगे बढ़ते हुए थे हम। ओ ओ भाई, आराम आराम से भाई, मैं दो बार फिसल गया। अबे कांटे वाले पेड़ दिख रहे हैं, सच बता। जल्दी चलो ना फिर भाई, चल भाग के चलो ना भाई, जल्दी 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 चलो, जल्दी चल। वो दिख रहा चोटी पे, चोटी पे कहाँ भाई? वो चोटी पे देखो, अबे पागल बना रहा है, चल रहा है। हाँ, वो बच्चा उसका आगे कहाँ है? कहाँ पे दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है छोटा सा, कहाँ पर चलता हुआ नहीं दिख रहा। अरे वो नहीं दिख रहा तुम्हें? कहाँ वो? वो कहाँ? एक पलकुंटा है कि पेड़, पेड़ दिख रहा है जिसपे घास लगा है। दो तीन पेड़ है, इधर एक पेड़ है। हाँ, उन दोनों पेड़ के पीछे देखो, आगे वाला बच्चा हर चल के जा रहे हो, आगे वाला बच्चा है, पीछे वाला पेड़। वो हिल नहीं रहा यार, तो हिल रहा हो? क्यों नहीं हिल रहा? खा रहे हो किसी चीज को? विकी भाई तेरे को दिखा यार? नहीं दिखा भाई, पर देखना पड़ेगा। वो तो रहा, वो हिलते नहीं है। अरे ब्रो, ये तो रहा ये क्या? हाँ, अब कैमरा से हटा, यही है ब्रो भाई, हिल रहा है देख। वो
ये उसके बगल में छोटा बच्चा गाय भैंस लग रही है मेरे को मेरे को भी गाय लग रही है इतनी ऊपर तो गाय क्या करेगी यार इतनी ऊपर नहीं होती गाय हो यार वहां से कहां जाएगी गाय वाह भाई इतना बड़ा शेर थोड़ी होता चल नहीं हिल तो रहे देख पर मेरे ख्याल से भेड़िया भेड़िया यार हम वहां पे देख रहे हैं कभी इस तरह से आ जाए यार कितनी खतरनाक आग लगी हुई है ये लोग ना बीड़ी पी के या सिगरेट पी के फेंक देते हैं और घास जल जाती है भाई आप सबसे पी ले अगर आप ऐसी जगह पर आए ये सब सिगरेट्स वगैरह यहाँ पर फेंके ना क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है जंगलों में पानी ना स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए और यार इसको बुझाने नहीं आते क्या वन विभाग वाले नहीं खुद ही बुझेगी खुद ही बुझेगी यार खुद कैसे बुझेगी यार वो नहीं बुझ जाती है कुछ देर बाद पूरा धुआं धुआं हो चुका है इस वजह से अब हम आ गए हैं भाई प्योर जंगल में बहुत फिसलती है भाई देख के यार मैं नहीं आ रहा हूँ तो यार मैं जाऊंगा लेकिन क्योंकि मुझे खतरों का सामना करना बेहद पसंद है कैसा लगा मेरा मजाक तेरा शुरू हो गया भाई जा भाई तू बैठ जा भाई अजीब तरह की घास है यार ये तो राजा महाराजाओं की तलवार घड़ी भी मिली थी है? और काफी सिक्के वगैरह मिले थे पुराने जमाने के जो तो, राजा महाराजा यार तो जिसने जब्त कर लिए होंगे उसको तो मौज होगी होगी वो दे दिए म्यूजियम में रखे हुए हैं फिलहाल तो दे दिए थे अच्छा तो भाई अभी हो चुका है पूरा अंधेरा दूर दूर से लाइटों का जो माहौल है वो कितना खूबसूरत दिख रहा है इसका मतलब पहाड़ पे जो घर है वो कितने ऊपर ऊपर तक है ना एक चीज कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही है जैसे लग रही है लाइट दिख रही है ना चल रहा है और नीचे जो है खाने की तैयारी हो रही है वहाँ पर बन रहा है खाना कुर्सियाँ लग गई है भैया सब तैयार है द नेक्स्ट डे भाई आज हम फिर निकल चुके हैं जंगलों को एक्सप्लोर करने के लिए तो विकी भाई अब हम आज हम कहाँ जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे अच्छा तो बेस्ट ट्रैकिंग है वहाँ से स्टार्ट होगी कम से कम 5 किलोमीटर की कंटिन्यू ट्रैकिंग है और इस ट्रैक का कोई नाम नहीं है ये हमने बनाया 80 डिग्री का स्लोप है जिसे हमें चढ़ना है हाँ जो नापा नहीं है पर लगता है कोई नहीं यार कर लेंगे इसको आसान है अभी हम लोग आ चुके हैं गाय के एक झुंड में गाय को घुमाने के लिए कुछ दिखाओ यार यहाँ पे कुछ बढ़िया आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ बढ़िया जल्दी आओ मेरे साथ आओ इधर आओ जल्दी आओ जल्दी आओ मेरी तरफ आओ जल्दी आओ और ये देखो अभी हम एक ऐसे एरिया में आ चुके हैं जहाँ से दिखता है पूरे गांव का व्यू तो कैसा लगा संजू आज लास्ट दिन है उत्तराखंड में कैसा लग रहा है कल से जा रहे हो क्या सीखा क्या क्या एक्सप्लोर करा क्या चीज है कैसा रहा मतलब पूरा मतलब यार यहाँ की पहाड़ों की लाइफ तो अमेजिंग है यार कोई अमेजिंग नहीं है चार दिन यहाँ रहोगे अपने आप तुम बोलोगे बाहर जाना है कोई फायदा नहीं है यहाँ रह के अरे भाई यहाँ पे तुम क्या ही करोगे खेतों में गाय लानी है और वापस ले जानी है सुबह शाम खाना है दिल्ली की तरह हुक्का थोड़ी पी सकते हैं ये सही बात है ये जो का पार्ट है ये नशेड़ी लोग हैं कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हम सीरियस बातें करते हैं यहाँ पे सीरियस पे अभी सारे रात को दारू पी के सेट हो जाते हैं यही सीरियस समझ रहे हो आप माउंटेन की वाइब्स में हम हर रोज धुआं रखा जंगल जला है क्या वाइब्स है इधर हमेशा ट्रैकिंग ही करते हैं लोग मतलब हाँ। कुछ सामान लाना है तो ट्रैकिंग कर ली कहीं बाहर जाना है तो ट्रैकिंग कर ली ये गाय चला घूमने का मन हो गया तो ट्रैकिंग कर ली गाय चला ली तो ट्रैकिंग कर ली वैसे ट्रैकिंग नहीं करते कई बार बैठे बैठे बोर हो रहे हैं घर पे फंची है तो ट्रैकिंग कर ली बड़ा शाबाश 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 बढ़िया बहुत बढ़िया हमने पूछा मम्मी खाना बन गया मम्मी ओ मतलब तो ऐसे अब जैसे गाय चला रहे गाय को बोलो ओ मतलब जा चल भाई तो ओ का मतलब बहुत सारे यहाँ हाँ। जैसे तो बोल रहे दिल्ली चलते मैं ओ मतलब वर्ड सेम ही है लेकिन मीनिंग अलग हो सकता हाँ मीनिंग अलग सकते हैं मतलब पर तो मैं टोन के हिसाब से करना है अभी नहीं। जैसे मैं जा रहा था तो यहाँ पे एक आंटी मिली मुझे मैंने हाँ। कहा कितनी सुंदर आंटी आंटी ने बोला नानी छो में नानी मैंने बोला ओ मतलब कह रही थी कि मैं नानी हूँ तुम्हारी अभी हम जा रहे हैं ज्वालपा देवी मंदिर जा रहे हैं जो कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ का आसपास का नजारा पहाड़ों से भरपूर भाई हम लोग पहुंच चुके हैं ज्वालपा देवी मंदिर में जो कि कोर्ट द्वार और पौड़ी के बीच में पड़ता है यहाँ पर जाते जाते हमें मिल रही है कुछ स्टॉल्स वगैरह
भाई क्या प्लान है फिर आज का? भाई आज करने वाले हम फुल चिल, मैं थोड़ा बीमार हूँ, मैं थोड़ा कम करूंगा लेकिन फिर भी करेगा। मेरे को खरीदने आज से रिंग्स। अभी का हमारा प्लान ये है कि पहले हम नहाएंगे वहाएंगे नदियों में, उसके बाद करेंगे मंदिर में दर्शन। भाई ये क्या नदी, स्विमिंग पूल इतना बड़ा यार, स्विमिंग तू तो करता है, यहाँ तक पानी आता है। अभी वो कहाँ चले गया? ओ भाई साहब, देवी मंदिर के जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत कमाल का है, बड़ा भरा एनवायरनमेंट है। चीटिंग करता है तू। नदी वदी से नहा लिए, मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरी मार्केट को फिलहाल यहाँ पर। जी गाना चला दो भाई जी। अबे ऐसे नहीं बोलते यार। जय जी गाना लगा दे, डीजे वाले जय जी।